आज हम बनाने वाले हैं सिंपल पटेटो की सब्जी, आलू की सब्जी। हमारे पास ये इंग्रेडिएंट्स है, ये टोमेटो प्यूरी है, उबले हुए आलू है, बारीक कटे हुए कांदे और ये सारे मसाले हैं घर के जो हम रोज के इस्तेमाल करते हैं, और ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले एक पैन में ऑयल लेंगे, ऑयल को गरम कर देंगे। ऑयल गरम थोड़ा हो जाए तो ये राई है, हम इसे डालेंगे ऑयल में। राई को थोड़ा फूटने देना है, इसके बाद हम ऐड करेंगे उसमें जीरा। सो ये फूट रही है राई, हम इसमें ऐड करेंगे हींग, हल्दी और ये हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे थोड़ा हिला देते हैं और फिर ऐड करेंगे इसमें ऑनियन। हम ऑनियन को थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने देंगे ताकि ये थोड़ा अच्छी तरह से पक जाए। हमें ऑनियन्स को हिलाते रहना है ताकि वो चिपके ना और जले ना नीचे से। टोमेटो प्यूरी हम ऐड करेंगे अब। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। टोमेटो प्यूरी तब तक पकाना है जब तक कि थोड़ा सा उसका रस एब्जॉर्ब ना हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसे मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर अब कितना चेंज हो चुका है, जो टोमेटो प्यूरी थी एकदम लाल हो गई है वो। अब मैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूंगी। अब हम उबले हुए आलू डालेंगे। इसे भी मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, करीब आधा कप। थोड़ा पोटैटो को स्मैश कर रही हूँ ताकि उसमें थोड़ा सा जो टमाटो का प्यूरी है। आप चाहे तो इसमें लाल गरम मसाला और या फिर आपको उसमें थोड़ा सा मजा पाव भाजी का भी चाहिए तो आप पाव भाजी का मसाला भी डाल सकते हैं। तो आप सिंपल सब्जी में पाव भाजी का मजा भी ले सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ी देर ढक के रख देती हूँ। अब मैं इसका ढक्कन हटा देती हूँ एंड थोड़ा सा सब्जी को फिर से मिक्स कर देते हैं। अब देख सकते हैं हमारी सब्जी एकदम प्रिपेयर्ड हो गई है, तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्विंग बोल में निकाल के रख देंगे।
सो हमारी सिंपल आलू की सब्जी तैयार है।